अविश्वसनीय अद्भुत चमत्कार, पहाड़ में मूली का हुआ शंख का आकार। इस तरह से हम लोगों का घास इकट्ठा किया रहता है ताकि ये बारिश से भीगे ना, एक ही जगह पे देखिए ये, और ये सीढ़ी भी लगा रखी है। नमस्कार, प्रणाम, पहला स्वागत है आप सभी साथियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल मानस नेगी पहाड़ी में। तो मेरे हाथ में देख सकते हैं आप कि किस तरह की मूली है। देखिए मूली का किस तरह से शंख बना हुआ है, ये मात्र पहाड़ में हो सकता है। तीनों एक साथ काटू गायब। तो ये देखिए किस तरह से बच्चों ने अंकुर तोड़ रखे हैं, क्योंकि आजकल पहाड़ में अंकुरोट का सीजन है तो बच्चे अंकुरोट खा रहे हैं। ये देखिए इसके हाथ पे कितने रखे हैं। और आज मौसम का मिजाज कुछ अलग ही है, बहुत तेज़ तेज़ हवाएं चल रही हैं। ये देखिए कपड़े किस तरह से झूल रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, हवा बहुत ही तेज़ चल रही है। और ये रहा पहाड़ का रक्षक, हम इसे पहाड़ों का रक्षक भी कह सकते हैं। ये इतना खतरनाक होता है कि शेर से भी भिड़ जाता है। क्या हुआ यहाँ पे, देखिए ये गिर गया था, अभी गिर गया में चलते चलते गौशाला जा रहा है ये। और ये गौशाला पहुँच के हमने गायों को उनके लिए कुछ भिगा के दे रखा है, यहाँ पे बांध रखे थे। तो इन्हें अभी नमक दिया गया है, कुछ प्योंडा और नमक। तो ये देखिए घास हम लोगों ने इस तरह से इकट्ठा करके रखा हुआ होता है ताकि इसके अंदर बारिश का पानी ना जाए, अगर बारिश आ भी जाएगी तो पानी नहीं जाएगा। और ये रहा मेरा घर, ये देख सकते हैं आप, इस तरह का घर है हमारा। ये देखिए इसको यहाँ पे, ये लकड़ी की गाड़ी बना रहा है मयंक सिंह। बच्चे तरह तरह के खेल कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए किस तरह से ये गाड़ी बना रहा है। अरे यार तुम फिर आज ये डोर निकालते क्या डोर का? यहाँ पे ये ढोल बनाया जा रहा है क्योंकि ये ढोल फूट गया था। ये प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है पहाड़ों का, क्योंकि अब नवरात्रों का सीजन है। हमारे गांव में कुछ ही दिनों बाद नवरात्र होने प्रारंभ हैं, तो इसलिए ये इसे फिर दोबारा बनाया जा रहा है। तो साथियों इसकी हम बात कर रहे थे, ये देखिए मेरे हाथ पे किस प्रकार की मूली है, पूरा शंख का आकार बना हुआ है इसका, देख सकते हैं मूली का हुआ शंख का आकार। ये पहाड़ों में इसे एक चमत्कार ही हम कह सकते हैं। तो ये देखिए चारों तरफ से किस प्रकार की ये मूली है और किस तरह का इस पे शंख का आकार बना हुआ, ये देख सकते हैं आप, चारों तरफ से देखिए ये बिल्कुल 100% शंख बना हुआ है। तो ऐसा चमत्कार मात्र उत्तराखंड के पहाड़ों में हो सकता है, क्योंकि पहाड़ों में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। तो मैं आज गया था खेत में और वहाँ से मूली खोदी, तो इस प्रकार की हमें मूली मिली। देखिए ये एक अद्भुत चमत्कार है। तो देखिए पहाड़ में हुआ चमत्कार, मूली का हुआ शंख का आकार, ये देख सकते हैं आप, कोई भी इसे मूली नहीं कहेगा। देखिए किस तरह का बना हुआ है, एक अद्भुत दृश्य है, ये अद्भुत अविश्वसनीय शंख बना हुआ इस मूली पर। देखिए ये पहाड़ के अपनी लोकल घर की मूली है और खेत में बोया था इसे, तो देखिए इसने किस तरह से शंख का आकार ले सकता है।
उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद।